आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं शोभा की बात करूं तो इन्होंने जेवी फॉर्म किया था 2.5 एकर हाउसिंग प्रोजेक्ट चेन्नई में बनाने के लिए। तो ये एक थोड़ी सी इनकी पॉजिटिव न्यूज आई थी सेविलिस इंडिया के साथ। और अगर मैं देखूं दोस्तों तो इन्वेस्टर्स का क्या कहना है, तो ये इन्होंने इन्वेस्टर्स जो है वो शोभा को लेके इधर थोड़ा सा बुलिश चल रहे हैं। और उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत अच्छे आए थे। तो लास्ट टाइम इसे 460 पे कॉल दिया था, ये 1014 तक गया था और अब फिर काफी गिर गया है। लेकिन इनके जो रिजल्ट्स आए थे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम, कैश इनफ्लो, सेल प्राइस इंक्रीज और डेट रिड्यूस, तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अच्छी चीज है। और विनय रजानी जी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, ये भी बुलिश है शोभा को लेके। ये देखते हैं इनका क्या कहना है। तो ये इसको 565 और 585 का टारगेट दे रहे हैं, ये जबकि न्यूज है हमारी जून 22 की अगर मैं बात करूं तो। अभी मैं अगर शोभा को देखूं दोस्तों तो वो ऑलमोस्ट इन्होंने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो 585 का टारगेट अचीव कर लिया है। अब दोस्तों अगर ये यहाँ से फिर ब्रेकआउट देता है 590 के ऊपर, तो इसके जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 700, 800 और फिर 900। तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा अगर कल इसने यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो। स्टॉप लॉस दोस्तों हमें छोटा सा लगा के रखना है 535 रुपीज का। तो अगर इसमें ब्रेकआउट होगा अच्छी वॉल्यूम्स के संग, आज इसमें ट्रेडिंग भी हुई है, काफी पॉजिटिव मोमेंटम था, तो अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ तो हमें उसका काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अब दिलीप बिल्डकॉन को लेके क्या करना चाहिए, आइए देखें इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं उसको लेके। तो इसको लोग कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं क्योंकि 75% का फॉल दिखा चुका है ऑलरेडी स्टॉक अपने 750 से। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। और टेक्निकल में इनका कहना है पोस्ट बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है 232 और 246 के टारगेट्स के लिए। और दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें बहुत भयंकर आप कह सकते हैं दिलीप बिल्डकॉन में तेजी देखने को मिली थी, काफी अच्छी वॉल्यूम्स के संग हमें देखने को तेजी थी इसमें। आज भी अच्छी वॉल्यूम्स में इसमें लेकिन काम हुआ है, बट सेलिंग साइड में हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्यों ये इतना भागा था, उसका मेजर रीजन ये था कि यहाँ पे देखिए इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन L1 बिडर फॉर द टेंडर फ्लोटेड बाय GMRC, इसी वजह से ये भागा था कल। और दिलीप बिल्डकॉन ने 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को कर्नाटका में कंप्लीट कर लिया। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक बहुत टाइम से लॉन्ग डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अगर हमें आप इसकी बात करेंगे कि इसमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, तो दोस्तों मैं कहूंगा इसमें आप 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 240 पहला टारगेट और फिर 320 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो 240, 280 और 320 के टारगेट्स के लिए आप एम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिएगा 180 के पास का। काफी अच्छी वॉल्यूम्स में इसमें कल बाइंग हुई थी, आज थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है। एप्टस की मैं बात करूं दोस्तों तो ऐसा जिसमें कोई न्यूज नहीं चल रही है, बीच में थोड़ा सा भागा था और अब गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक अपने अच्छे सपोर्ट के पास आ गया है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो आप दोस्तों इसमें 250 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूं दोस्तों तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 295 रुपीज का, और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो 320 और 350 के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है इस समय एप्टस वैल्यू में। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।